भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई हाईजेक हुए जहाज MV लीला नॉरफॉक के पास पहुंच चुका है। साथ ही साथ हाईजेक हुए जहाज को छोड़ने की चेतावनी भी जारी कर दी गई। समुद्री लुटेरे अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो नौसेना उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। सोमालिया के तट पर जो जहाज हाईजेक हुआ इसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं और नौसेना ने कह दिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च करके ये चेतावनी दी है कि मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल ये सारा बवाल इसलिए हो रहा क्योंकि सोमालिया के तट पर MV लीला नॉरफॉक के जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने हाईजेक कर लिया है। इसकी जानकारी 4 जनवरी की शाम को मिली। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया था। सभी क्रू मेंबर्स फिलहाल जहाज के अंदर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ वक्त पहले भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज में 5 से 6 लोग हथियार के साथ चढ़े थे। जहाज से नौसेना ने कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया था और INS चेन्नई को सहायता के लिए तुरंत भेजा गया था। INS चेन्नई की बात की जाए तो ये एक बेहद घातक विध्वंसक है। इसमें 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स लगे हैं, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से ये लैस है। 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें इस विध्वंसक में लगी हैं। हालांकि भारतीय नौसेना के पहुंचने के बाद अब स्थिति सामान्य हो ही जाएगी, मगर इस तरह के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में माल्टा के जहाज MV रुवेन को हाईजेक कर लिया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हो गई थी। आनंद फानन में नेवी की ओर से एक युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान को अरब सागर भेजा गया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू करा लिया था। खैर, नौसेना अब MV लीला नॉरफॉक के पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्द सबको सही सलामत रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।